welcome to AK Vlogs. So there's with the new vlog. The vlog is going to Bihari, going to Maike. मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं व्लॉग ही शूट कर लूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को भी बताऊँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल के साथ, इसलिए मैं वैसे तो मैं जाती ही रहती हूँ अपने मायके. एज़ यू नो, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है वो देखते हैं कि मेरा ज़्यादातर जो है ट्रैवल वो बिहारी ही होते हैं, मेरे मायके होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वहाँ पे काम है और उसके बाद फिर पीरखाना है, तो सब ये बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे, तो फिर हम जाते ही रहते हैं. लेकिन आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल के साथ, इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल है, और क्योंकि मेरा ससुराल मतलब लाइक आउट ऑफ कंट्री रहते थे तो वो पहले जा नहीं सके, और उसके बाद शादी में भी कुछ ऐसा सीन था कि वो शामिल नहीं हुए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ये वो लाइक वो फिर आए और अब हम जा रहे हैं. तो काफ़ी दफ़ा चला गया. हाँ, ये तो फिर आपको पता है हमारे साथ ही होते हैं हमारे पार्टनर, और स्कूल से छुट्टी हुई है तो मेरे ख्याल से यहाँ एक बड़ा रश लगा हुआ है. मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, बड़ा रश लगा हुआ है. और एक्चुअली मैं मेडिसिन भूल गई थी घर में, तो मैं वापस मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ. तो शफकत साहब अपना हेयर स्टाइलिंग करवा रहे हैं, तो लगता है अब हम यहाँ कहीं फंस ही ना जाएँ, और शफकत साहब से हमें सुनने को मिलेंगी कि आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, कहाँ लगा दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं. हमारा टाइम था कि हम यहाँ से 12 o'clock निकल जाएंगे, लेकिन हम अभी भी यहीं हैं, तो देखते हैं क्या होता है. होपफुली थैंक गॉड हम ट्रैफिक में स्टक नहीं हुए हैं और हम जल्दी टाइम पे जा रहे हैं. अब हम दूसरी साइड से जाएंगे, क्यों आते हाँ, क्योंकि मतलब इस साइड वही स्कूल की वजह से रश हो सकता है. तो ओके, आप यूं ही हमारे साथ रहिए, हम आगे आपको पूरा व्लॉग शूट करेंगे, हम सब दिखाएंगे फिर हम कैसे जाते हैं. इतनी डार्क ग्लासेस मैंने इसलिए लगाई हुई हैं, और मैंने मतलब अभी भी मैंने कहा वीडियो में भी नहीं, क्योंकि बाहर धूप है और मुझे थोड़ा सा हेडेक प्रॉब्लम है, और ज़्यादा सनलाइट की वजह से मुझे हेडेक प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर जो सही नहीं होता है तो बड़ा मसला होता है, इसलिए फिर मैंने लगाई हुई हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है. ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं अंधी हो रही हूँ, अंधी. और बाल आज मैंने इस तरह से बांधे, मुझे वैसे सूट नहीं करते हैं, लेकिन ये कि फिर मतलब मैंने कहा ऐसे ही कर लेती हूँ और बस. मैंने अपनी मेड को कहा है कि जी अंदर मेडिसिन का बॉक्स पड़ा हुआ है, मुझे उठा के ला दें, तो वो मुझे उठा के ला के देती हैं, और वजह से देती हैं, फिर हम चले जाएंगे. और ये मेरे बेबी को देख रही हैं, इनको नज़र लग गई है, और ये इसको जिस दिन इनके दादा आए हैं उस दिन चोट लगी है, और उसके बाद ये फिर लगी है, हाय कितना फेस ख़राब हो गया. और आतिफ साहब बहुत सीरियस हैं आज, आई डोंट नो क्या हुआ है इनको. लगता है इनका कुछ खो गया है, इनसे कोई नुकसान हुआ है. नुकसान ही हुआ है. बताएं क्या हुआ है. गाड़ी लग गई मुझसे थोड़ी. गाड़ी लग गई है तो अभी गाड़ी को नंबर. अच्छा जी, ये मेडिसिन आ गई है. नहीं, ये वाली है ये. हाँ जी, ये वाली मेडिसिन है जी, अब हम लेके जा रहे हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय. हाँ जी, चलते हैं फिर अब हम अपनी मंजिल को. हाँ, तो क्या बता रहे थे. भाई ने व्लॉग देख लिया, मैंने ये डालना उस नैन पे. वो कह रहे हैं मैंने ये अपने दूसरे भाई पे डालना है, मैंने अपने पे नहीं डालना, और वो कह रहे हैं कि ये कट कर दे, ये नुकसान मेरे से नहीं. चलो देखते हैं, हम काटते हैं. थोड़ी सी लगी है, पर ये है कि गाड़ी नहीं है एमजी अभी, नंबर भी नहीं लगा. हाँ, अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगी है. लाइन क्या मट्टी भी डले तो तकलीफ होती है. एग्जैक्टली ट्रू, जब चीज पुरानी हो जाए ना फिर. और भाई वैसे भी बहुत केयर करते हैं. हाँ एग्जैक्टली, शफकत बहुत पोजेसिव है अपनी चीजों को लेकर. रोज सासों की गाड़ी वॉश करवाता हूँ अपनी, तो मैं हफ्ते में चलो कर लेता हूँ एक दफा, ये रोज वॉश होती है. हाँ, उनकी सारी कार्स डेली. और उनकी गाड़ी को आज तक लाइन नहीं पड़ी उनकी वजह से, मेरी वजह से पड़ गई. पर वो भी आज ही पड़नी. चले कोई नहीं यार, हो जाता होता है, लगने वाली चीज थी लग गई, और बस इजी रहो, कोई टेंशन नहीं है. ले जी, अब हम आ गए हैं मेडिसिन लेके, और शफकत साहब अभी फ्री हुए हैं या नहीं वो देख लेते हैं हम. ये जी H1 सलोन है, इधर आते हैं जो भी काम करवाना हो इनको. ये
ये भी जनाब इधर ही आते हैं, ये हेयर स्टाइलिंग इधर से ही करवाई हुई है इन्होंने भी। आ जाए जनाब, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। हाँ जी, तो अब फ्रूट पैक करवाया जा रहा है, अब वहाँ से तो हम निकल आए हैं और पीछे से कॉल्स भी आ रही हैं कि कहाँ रह गए हैं। तो अब हमने कहा था हम फ्रूट पैक करवा लें और फिर आ रहे हैं। सबको बड़ी जल्दी लगी हुई है क्योंकि सब जल्दी रेडी होके बैठ के, क्योंकि शक्कर साहब ने कहा कि हमने 10 o'clock निकलना है और अगर ज़्यादा लेट भी हुए तो 12 o'clock निकलना है, लेकिन सारे रेडी हो गए और ये जनाब खुद नहीं हुए। तो देखिए अब क्या होता है, कितने फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स है ना, दिल कर रहा है ना खाने को। और ये जनाब ड्राइव कर रही हैं, ये इनको जी ड्राइविंग का बड़ा शौक़ है। मैं कहती हूँ कि जब इनके पैर निकलेंगे, लाइक पाँव वहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये फिर क्या करेंगे। चेक करें जी, चेक इनको और फिर पीछे इनको चेक करें, इनको रोग लग गए। क्या हो गया, मोहब्बत बिछड़ गई है। दोनों ही हो गए है सच्ची, मोहब्बत बिछड़ गई। कोई बात नहीं, होता रहता है, आजकल के दौर में बड़ी मोहब्बतें होती हैं। एक मोहब्बत भी चढ़ गई, दूसरी मिल जाएगी। नहीं जी, दूसरी नहीं हमें चाहिए। अच्छा तीसरी? नहीं, चौथी पांचवी। ओह माय गॉड, है चौथी पांचवी मोहब्बत चाहिए, सही है। ये जी फ्रूट्स की टोकरियां आ चुकी हैं और शक्कर साहब अब गए हैं जी स्वीट्स लेने फ्रॉम द जलाल सन्स। जलाल सन सुपर डिस्काउंट, 10%, 20%, 5%। और अब शदीद भूख से बुरा हाल है, नींद भी आ रही है। जाग रहे हैं आप? जाग रहे हैं। हमें पहले उठा दिया, हमें कहते हैं 10 बजे जाने हैं और हम सारे उठ के बैठ गए। हम देखिए ये काम और ये टाइम क्या हो रहा है। ये जी अब हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। एनर्जी लेवल फॉर वेरी वेरी लो। जूस, इनको बस जूस चाहिए। जी अब हम रेस्ट एरिया पे रुके हैं और ये सब हमारे साथ हैं, ये मिल चुके हैं और अब हम रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश अप होंगे और इसके बाद फिर डायपर शाइपर चेंज होगा आरिफ का, और उसके बाद फिर हम अगेन अपनी मंजिल को रवा दवा।